नमस्कार, मैं रोशन हूं। और आज कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा के नहले पर दहला है। भाजपा के हिंदुत्व पर कांग्रेस का हिंदुत्व भारी पड़ रहा है। और ये वही वाला घोषणा पत्र है जैसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया था। तो अब जो लड़ाई है ये रोचक हो गई है। बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 5 किलो फ्री राशन देंगे, आधा किलो नंदनी का दूध देंगे, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी। जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ स्कीम वगैरह करेंगे और 3 गैस सिलेंडर देंगे। तो इस पर इन्होंने कांग्रेस ने जो आज छक्का मारा है, एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बजरंग दल और PFI को बैन करेंगे। तो बजरंग दल को बैन करने का मतलब हुआ कि जिस हिंदुत्व के आधार पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई है और दक्षिण का द्वार उसने खोला है, उसमें बजरंग दल का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि बजरंग दल जिस तरह से वहाँ मारपीट करती है और जहाँ जितना उन्होंने वहाँ अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया है, उसका फायदा सीधे सीधे वहाँ बीजेपी को मिलता है। कर्नाटक में जो अभी बासवराव सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण था उसको हटा दिया था और उसको 2% लिंगायत को और 2% वोकालिंगा को दे दिया था। और अमित शाह ने कल यही घोषणा की थी कि अगर आपने कांग्रेस को वोट डाला तो 4% जो आरक्षण है उसको वापस कांग्रेस ले आएगी। तो ये मुसलमानों से साफ साफ हो गया कि बीजेपी हिंदुत्व की तरफ जा रही है और उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया था जब उन्होंने 4% वोट हटाया था। और अब कांग्रेस ने उसे कह दिया कि हम उस आरक्षण को रिटेन करेंगे और जो 50% की सीमा है उसको बढ़ाकर 75% करेंगे। यानी जो आरक्षण की सीमा है वो करीबन 70% तमिलनाडु में है, तो इन्होंने 70% से ऊपर ही 75% कह दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वोकालिंगा को भी देंगे, लिंगायत को भी देंगे, मुस्लिम को भी देंगे, तीनों चीज। तो और तीसरा जो इन्होंने सब महत्वपूर्ण किया है वो बजरंग दल का किया है कि जो हिंदुत्व के बल पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी एंटी मुस्लिम करके, तो इन्होंने उसको ही इनकैश कर लिया कि अगर हम बजरंग दल पर बैन करेंगे तो मुस्लिम वोट उनको एक तरफा मिल जाएगा। तो कर्नाटक की जो आबादी है करीबन 6 करोड़ की है, उसमें से करीबन 12% मुस्लिम है और 17% लिंगायत है, 18% वोकलिंगा है। तो जो 12% का चंक है अगर वो जेडीयू की तरफ, जेडीएस की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो मोस्टली जो दक्षिण कर्नाटक में है वो जेडीएस की तरफ भी जाता है, अगर वहां नहीं गया और उसने कांग्रेस को एक तरफा वोट डाला, तो इसका मतलब यह है कि जो पिछले 3 4 5 दिनों से या उससे पहले से जो जो सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई हुई है। तो वो बढ़त इसमें कामयाब हो सकती है क्योंकि ये बजरंग दल को बैन करने का और PFI को बैन करने का जो मामला है ये बहुत कर्नाटक के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक फ्री बीज का मामला है, जो बीजेपी ने 3 सिलेंडर और राशन फ्री देने की बात कही, तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घर की मुखिया हैं, उनको हम 2,000 रुपये ऊपर से पेंशन भी देंगे, और जो फ्री बीजेपी ने कहा है वो फ्री हम भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्री वीज का जो सारा खेल है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, वो सारी चीजें वहां भी जा रही हैं। जैसे वो उन्होंने बिजली फ्री देने की बात कही है, पानी बिजली फ्री देने की बात कही है। तो ये फ्री वीज जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि फ्री भी किसी भी राज्य को उसका दिवालिया निकालने के लिए बहुत रोल है इसमें, तो बीजेपी ने खुद ही फ्रीबीज की बात कही है और अब उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस को जीतना है, इसलिए भी जीतना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसको कर्नाटक में बहुत ज्यादा समर्थन मिला था। और उसके बाद कर्नाटक के ही कोलार में जब राहुल गांधी ने रैली की थी 2019 में, उसकी 2 साल की उनको सजा मिली है मानहानि के मामले में मोदी उपनाम को लेकर, तो उनकी जो सिंपैथी है वो मिलनी चाहिए। अगर कर्नाटक कांग्रेस हारती है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी भी फेल होते हैं और राहुल गांधी के प्रति जो सिंपैथी कर्नाटक में खड़ी होगी वो पूरे देश में कहीं भी नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस को कर्नाटक जीतना महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने आज जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी की घोषणा पत्र जारी करने के बाद किया, ताकि उन्होंने जो जो घोषणाएं कर रखी हैं उससे ज्यादा हम करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री भी कर्नाटक में है और जो वहां एक इशू बना था कि प्रधानमंत्री को विषैला सांप कहा था, तो विषैले सांप की जगह फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उन्हें नालायक कहा, वो भी एक इशू बना है। लेकिन जो भी इशू होगा, ये 10 मई को जब मतदान होगा और 13 मई को रिजल्ट आएगा, उसमें तब हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल क्या घोषणा पत्र है। होगा। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम। और
कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि अगर हम सरकार में आए तो पुरानी पेंशन योजना शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि यही पुरानी पेंशन योजना है जिसके कारण हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार गई थी। बीजेपी जीतते जीतते हार गई थी क्योंकि वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और एक्स आर्मी मैन और जो स्टेट के कर्मचारी हैं उन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट डाला और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। और उसके बाद आप देखें कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, उड़ीसा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई है और अब कर्नाटक में ये लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो देश में एक माहौल बना हुआ है, जगह जगह हम देखते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की लगातार मांग हो रही है, तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दो इशू बीजेपी को भारी पड़ेंगे, एक तो जो हिंदुत्व का एक तरफ ले गए हैं और दूसरा ये जो ओपीएस की स्कीम है, ओपीएस एक तरफा लोग इस पर वोट डाल रहे हैं। एक और कांग्रेस ने बात कही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्क्रैप करेंगे और उसके जगह राज्य की अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी होगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सेंटर की, उसको लेके बहुत सारी बातें चल रही, जैसे इतिहास में तथ्यों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है और उसमें जो मुगलों का या ऐसे हमारा जो इतिहास है, कुछ ऐसा इतिहास है, उन इतिहास के बदलने के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू इस पर बनेगा। तो मित्रों, इस पर अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो जो चुनाव का कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम। और कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि अगर हम सरकार में आए तो पुरानी पेंशन योजना शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि यही पुरानी पेंशन योजना है जिसके कारण हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार गई थी। बीजेपी जीतते जीतते हार गई थी क्योंकि वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और एक्स आर्मी मैन और जो स्टेट के कर्मचारी हैं उन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट डाला और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। और उसके बाद आप देखें कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, उड़ीसा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई है और अब कर्नाटक में ये लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो देश में एक माहौल बना हुआ है, जगह जगह हम देखते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की लगातार मांग हो रही है, तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दो इशू बीजेपी को भारी पड़ेंगे, एक तो जो हिंदुत्व का एक तरफ ले गए हैं और दूसरा ये जो ओपीएस की स्कीम है, ओपीएस एक तरफा लोग इस पर वोट डाल रहे हैं। एक और कांग्रेस ने बात कही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्क्रैप करेंगे और उसके जगह राज्य की अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी होगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सेंटर की, उसको लेके बहुत सारी बातें चल रही, जैसे इतिहास में तथ्यों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है और उसमें जो मुगलों का या ऐसे हमारा जो इतिहास है, कुछ ऐसा इतिहास है, उन इतिहास के बदलने के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू इस पर बनेगा। तो मित्रों, इस पर अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।